आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। आज सरिता प्रवाह के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं और 25 जनवरी को हम लोग 7वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारा उद्देश्य था उन लोगों को सम्मानित करना जो समाज के अलग अलग जगहों पर रह करके समाज में ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनको दिशा और दशा मिल सके समाज को। इसीलिए हम लोगों ने एक सिर्फ समारोह करके एक जो है उसको जो है एक परंपरा नहीं बनाई, बल्कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जिनको जिनका पूरे देश में नाम है, जिन्होंने अलग अपने अपने क्षेत्रों में रह करके ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे समाज को एक गति मिली है। जैसे हमने डॉक्टर सूर्यकांत को त्रिपाठी जी को किया है, जिनका पूरे एशिया में नाम है, कोरोना काल में उन्होंने जिस तरह से काम किया है वो पूरे देश में जाना जाता है उनका नाम। इसी तरह से हमने प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को सम्मानित किया है जो राजनीति शास्त्र और हिंदी शास्त्र के लखनऊ यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष रहे हैं। इसी क्रम में हमने ज्योतिष में राजीव चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया हुआ है। इसी तरह से हमने शिक्षाविद में डॉक्टर जगदीश गांधी को सम्मानित किया है। इसी तरह से हमने ज्योतिष की आधुनिक विधा में जिन्हें गूगल ने लखनऊ का बेस्ट ज्योतिषाचार्य सम्मानित किया है, उन्हें गौरव कुमार सिंह को सम्मानित किया है। इसी क्रम में महान अधिवक्ता जो है और पूर्व महामंत्री लखनऊ बार एसोसिएशन सुरेश पांडे जी को सम्मानित किया है। ऐसे समान लोग को सम्मानित किया। आप ही के प्रोग्राम में एक झंझटी साहब थे, अशोक झंझटी कहे जाते हैं, उनका यह कहना था कि सच के अलावा कुछ भी छापो खुश हो जाते हैं, सच छापने से आदमी नाराज हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक झंझटी जी ने जो कहा उनकी बात सच है। आपने देखा होगा कि आज जो समाचार पत्र छपते हैं उन्हें आप तो मीडिया से ही हैं, आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ ग्रुप हैं या जो समाचार चैनल हैं, आप आज किसी की खबर देख करके और किसी का चैनल देख के आप लोग अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि ये फला कांग्रेस का चैनल है, ये सपा का चैनल है, ये भाजपा का चैनल है। वो इसी कारण है क्योंकि पत्रकार जो है अब किसी न किसी चैनल का जो है वो राजनीतिक के दल का खास हो गया है। इसी के चलते पत्रकारिता का जो हनन हो रहा है वो यही हो रहा है। इसी के चलते हम लोगों ने किसी एक दल को वरीयता नहीं दी, हर लोगों का यानी जो खबर होती है वो खबर दिखाई जाती है। जरूरी नहीं कि हम सपा के, भाजपा के, कांग्रेस के, किसी एक दल के होकर के हम उसके भोपू नहीं बन रहे हैं। सर, आज जनता का विश्वास पत्रकारों को पेपर के ऊपर से हटता चला जा रहा दिन प्रतिदिन, उसका क्या मतलब है कि वो ये जानते हैं कि सरकार के लिख रहे हैं, आम जनता की बात नहीं कहते हैं। क्या सरिता प्रवाह उनकी बात को आगे ले जाएगा सच को? सरिता प्रवाह का स्लोगन ही है सच का प्रवाह। हम अपने स्लोगन को लेकर के चल रहे हैं और आप जानते हैं कि मैं नहीं दावा करता कि हमारा अखबार दैनिक जागरण हिंदुस्तान की तरह बहुत बड़ा अखबार है। हम 25,000, 10,000, 5,000 जो भी हम लोगों में पहुंच पाते हैं उन लोगों में अपनी खबर को सच रखते हैं। इस सच के चलते आप पहली बात जानते हैं कि हम लोगों को तमाम सारे कष्टों का सामना करना पड़ा, तमाम सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी, लेकिन हम लोगों ने अपनी उस दिशा को पीछे नहीं हटे और अभी भी हम लोग सच के साथ चल रहे हैं। और चाहे तमाम सारी खबरें ऐसी रहीं जो हम लोगों ने सरकार के विरोध में भी छापी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं तो किसी और दल के खास हो गए हैं। हमारा काम है सच को सामने रखना।